Redmi Note 4 के लिए Android 8.9 का लेटेस्ट एक बिल्ड आया हुआ है। लास्ट रिव्यू जैसा कि मई 2022 में किया था, फिलहाल यहाँ पे जो है अब सितंबर में करने जा रहा हूँ 2022। तो देखते हैं यहाँ पे इतने टाइम में क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलने वाले हैं इसके अंदर में, और क्या कुछ फिक्स हुआ है कि नहीं हुआ है कुछ चीज़ें, तो उनके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और पहले की वीडियोज़ में जो है इंस्टॉलेशन आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन पर मैं दे दूँगा वो। फिलहाल इसमें हम देखते हैं हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलने वाला है। तो जैसा कि Android का ये Android 12L या 12.1 बोल सकते हो, बाकी Android वर्जन 8.9 है, सितंबर 2022 का बिल्ड मिल जाता और वेंडर भी वैसे अपडेट किया गया, फिर भी 2022 का पहले ओल्ड था। और यहाँ पे अगर हम कर्नल देखें तो कर्नल जेडलोस का पहले रहता था, लेकिन अभी कामी प्लस मिल रहा है। अगर हम वर्जन के हिसाब से देखें तो अपडेटेड है उसे, और नीचे फिर बिल्ड नंबर आपको देखने के यहाँ पे मिल जाता है। और अगर हम यहाँ पे इसके बात करें नेटवर्क एंड इंटरनेट के बारे में, तो हॉटस्पॉट आपका पहले की तरह ही काम कर रहा है, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। और कनेक्टेड डिवाइस के अंदर हमारा जो कास्ट है ये भी बिल्कुल वर्किंग देखने के यहाँ पे मिल जाता है। और ऐप्स के अंदर चलते हैं तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ऐप यानी कि जो लॉन्चर इसका से एंड्रॉयड का ही मिलता है, तो आइकन में तो आपको सब कुछ सेम मिल जाएगा, यहाँ कोई चेंज नहीं। होम स्क्रीन के अंदर में वॉलपेपर स्क्रॉलिंग का एंड जूमिंग का ऑप्शन जो है न्यू देखने को मिल जाता है, साथ साथ हॉट सीट बैकग्राउंड भी यानी कि डॉक के एरिया पे आपके बैकग्राउंड जो है यहाँ पे देखने को एक मिलता है। तो ये जो है हॉट सीट बैकग्राउंड हल्का हल्का देखने को मिल रहा होगा, ट्रांसपेरेंट सा रहता है, तो ये एक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और तो सारी चीज़ें सेम है बिल्कुल आपकी यहाँ पे। बाकी ऐप ड्रॉअर के अंदर अगर हम यहाँ पे चलते हैं तो इसके ऐप ड्रॉअर में आपको चल के दिखा देते हैं, यहाँ पे आप जो है रो हाइड और बैकग्राउंड ओपेसिटी का ऑप्शन हमें न्यू मिल जाता है, जो कि ऐप ड्रॉअर के लिए दिया गया है। बाकी यहाँ पे रीसेंट का ऑप्शन ही पूरा न्यू है। हालांकि यहाँ पे मेमोरी इन्फो भी आपको अब देखने को मिल जाती है, और इसके अंदर जो ग्रिड वाला हमारा रीसेंट स्टाइल दिया गया है ये पहले मिसलेनियस में था, अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बाकी इसके अंदर जो है ये आपका अच्छे से काम करे, और नीचे फिर बैकग्राउंड ओपेसिटी और बाकी के ऑप्शन अगर आप ऐड करना चाहो तो रीसेंट पे ये जो है सब ऐड कर सकते हो। इसके अंदर में मिसलेनियस में कुछ भी चेंज नहीं है, बस इसके अंदर से ग्रिड स्टाइल वाला जो है रीसेंट पे गया है, और कोई चेंज आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। और अब हम यहाँ पे चलते हैं फिलहाल बाहर में, यहाँ पे पहले गेम सेटिंग्स का भी ऑप्शन था जो कि रिमूव है। बाकी अगर हम यहाँ पे चले बैटरी की तरफ, तो बैटरी के अंदर वैसे आपको एक ही चेंज देखने को मिलेगा, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन जो है न्यू मिल जाता है। वहीं अगर हम आपसे बैटरी बैकअप की बात करें तो 2 आवर 50% ब्राइटनेस पर वीडियो प्ले करने के बाद 87% बैटरी मिली है, वही पिछले में 86 थी, यानी कि बैटरी आपके सिमिलर पहले जैसी है, उसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास फर्क आपको नहीं पड़ने वाला है। साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर चलते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आने के बाद जो है आपको यहाँ पे दिखा दूँ तो पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल का जो ऑप्शन दिया गया है ये फिलहाल हमें न्यू मिल जाता है। पहले बाय डिफ़ॉल्ट ही पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल इनेबल हुआ करता था, अब ऑप्शन दे दिया गया है। वहीं डायरेक्ट साउंड की बात करें तो ये अभी भी जो है फिलहाल मेरा काम नहीं करा, लेकिन रीसेट जो प्रीसेट्स है वो लेटेस्ट वाले देखने को मिल जाते हैं। ऑडियो एम्पलीफिकेशन भी पहले का ही है, लेकिन यहाँ पे क्लियर स्पीकर न्यू देखने को मिल जाता है, ये पहले हमें नहीं मिल रहा था। और साथ साथ यहाँ पे वाइब्रेशन इंटेंसिटी कंट्रोल का जो ऑप्शन है ये भी हमें न्यू मिलता है, क्योंकि ये भी पहले हमें यहाँ पर नहीं मिलता था। और डिस्प्ले के अंदर में यहाँ पे हालांकि आपको कोई चेंज नहीं मिलता है, बस एक चेंज है लास्ट में डिस्प्ले की सेटिंग्स में, वो है यहाँ पे डिस्प्ले कलर कैलिब्रेशन का ऑप्शन, बाकी बिल्कुल भी चेंज आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो ये एक ऑप्शन न्यू है। वहीं अगर हम वॉलपेपर एंड स्टाइल की तरफ चलते हैं तो वॉलपेपर एंड स्टाइल में आपको जो वॉलपेपर मैं यूज़ कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन पर प्रोवाइड कर दूंगा, बाकी जो इसके साथ वॉलपेपर आते हैं वो सब आपको पहले वाले ही मिलेंगे। थीम डाइकन ये सब काम कर रहा है, और ग्रिड स्टाइल भी काफ़ी सारे देखने के यहाँ पे हमें मिल जाते हैं, एसेबिलिटी भी सेम ही रहेगी वैसे तो, यहाँ पे भी कुछ चेंज नहीं है। बाकी अगर हम चले सिक्योरिटी की तरफ तो अभी भी जो है ऐप लॉक हमें इसके अंदर देखने को नहीं मिलता, रोम डिक्रिप्टेड ही है। बाकी यहाँ पे आपकी सिक्योरिटी की सेटिंग्स नॉर्मल है, और अगर मैं आपको फिंगरप्रिंट दिखा दूँ किस तरीके से काम कर रहा है, तो फिंगरप्रिंट अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके जो है काफ़ी अच्छे से जो है काम कर रहा है, काफ़ी फास्ट रिस्पॉन्स मिलता है, रिपल इफेक्ट ऑफ रखना। हाँ, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे फेस अनलॉक स्लो सा देखने को मिला है, डिले आप देख सकते हो फेस अनलॉक किस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है, तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे डिले लगा। बाकी फिंगरप्रिंट काफ़ी फास्ट आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है, उसमें ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं मिलेगी। सेफ्टी इमरजेंसी काम करता है, आपको आपका डिजिटल वेलबिंग का ऑप्शन आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा, और इसके नीचे फिर मिलता है Android की सेटिंग्स। अब यहाँ पे क्या क्या चेंज हुआ वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले चेंज की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो वो जो है इसके अंदर क्लॉक एंड डेट में मिलता है, जो कि आप यहाँ से बैकग्राउंड इनेबल कर सकते हो अपने क्लॉक के अंदर, तो ये चीज़ आपको मिल जाएगा। वही अगर आपको एक
सेटिंग में जाओगे तो वहाँ पे आपको कुछ चेंजेस मिलती है, बाकी यहाँ पे आप देखोगे स्टेटस बार तो कोई चेंज आपको नहीं मिलता है, स्टेटस बार पूरा सेम है। क्विक सेटिंग्स के अंदर में क्या चेंज हुआ है कि क्लॉक फॉन्ट साइज़ जो है न्यू देखने को मिल जाएगा, और थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पर जो टाइल लेआउट दिया गया है ये पूरा ऑप्शन आपको न्यू मिल जाता है। वर्टिकल लेआउट आप इनेबल कर पाओगे टाइल्स की, कुछ इस तरीके से ऑफ कर दिया तो नॉर्मल हो गया, इस तरीके से मिल जाता है। कंट्रोल आपको यहाँ पे कॉलम के भी मिल जाते हैं, टाइल एनिमेशन भी देखने को मिल जाएगा, और डाटा यूजेस भी अब जो है इनेबल एंड डिसेबल कर पाओगे, जो कि पहले हमें देखने को नहीं मिलता था, लेकिन अभी यहाँ पे ऑप्शन दे दिया गया, इसे आप ऑन ऑफ कर पाओगे। बाकी फिर नीचे कोई चेंज नहीं है। उस तरीके से लॉक स्क्रीन के अंदर में भी आपको कोई चेंज नहीं मिलेगा, यहाँ जो है फिंगरप्रिंट एनिमेशन ऑफ कर पाओगे रिफिल इफेक्ट को ऑफ करके, और नेविगेशन बार आपको यहाँ से इनेबल करना पड़ेगा। उसके बाद जो है सिस्टम में आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं जो है आपका जेस्चर देखने को मिलता है या फिर बटन आपको चेंज करना है, तो उसके लिए आपको सिस्टम पे जाना पड़ेगा, लेकिन इनेबल जो है सीआर ड्रॉइड की सेटिंग्स के अंदर नेविगेशन से करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सिस्टम में जब आओगे तब जो है ये आपका शो करेगा सिस्टम नेविगेशन, वहाँ से ऑफ कर दोगे तो ऑप्शन ही गायब हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको इनेबल करने के बाद अब जो है आप जेस्चर भी साथ में यूज़ कर सकते हो, साथ ही साथ हार्डवेयर बटन को भी आप यूज़ कर सकते हो इसके अंदर, जैसे कि साथ में काम करता। बाकी चेंज वैसे आपका कुछ भी यहाँ पर नहीं हुआ है, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे हार्ड बटन भी आप साथ में यूज़ कर पाओगे, तो ये चीज़ जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जो कि आप सीआर ड्रॉइड की नेविगेशन बार से आपको इनेबल करना पड़ेगा। पिक्सल एनिमेशन ये सब भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। बटन के अंदर में वैसे आपको कोई चेंज नहीं मिलता है, और यहाँ पर अगर हम यूज़र इंटरफेस की बात करें तो यहाँ पर मोनेट भी आपका पहले की तरह है, मोनेट में आपको ऐसा कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है, मोनेट आपका पूरा सेम है। साथ साथ आपका जो नेविगेशन बार स्टाइल है ये भी आपको पहले की तरह मिलता है, फॉन्ट स्टाइल भी हमारा सेम ही है, आइकन पैक भी सेम मिल जाता है, साथ साथ सिग्नल आइकन स्टाइल भी सेम ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। वाईफाई आइकन स्टाइल भी सेम है, बट यहाँ पे आइकन शेप के अंदर म्याऊ का और एक और जो है इसके अंदर एक दो जो है न्यू देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। नोटिफिकेशन के अंदर में वैसे आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर में भी आप देखोगे तो कोई चेंज नहीं मिलता, बैटरी लाइट का इसके अंदर प्रॉब्लम है। बाकी अगर हम यहाँ पे बात करें साउंड की तो स्क्रीनशॉट साउंड आपका न्यू मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे मिसलिनियस के अंदर गेम स्पेस जो है न्यू हो चुका है, क्योंकि पहले ओल्ड देखने को मिलता था, तो ये जो है गेम स्पेस पूरा न्यू वाला आप देखने को मिलता है इसके अंदर में। और नीचे फिर तो आप देख ही सकते हो अनलॉक हाई एफपीएस ये सब आपको पहले से मिलता था, स्क्रीनशॉट का भी जो है पहले से ही मिलता था, तो इनमें हमें कोई चेंज नहीं मिलता। लास्ट में फिर अब आउट आपको मिल जाता है। एंड यहाँ पे सिस्टम के अंदर में आपका ये जो कि जेस्चर का ऑप्शन हो गया, तो यहाँ पे ये सब कुछ सेम ही मिलता है। एंड अम्बिन डिस्प्ले का ऑप्शन बस यहाँ पे न्यू मिल जाता है, बाकी आपका सब कुछ सेम हमें देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और बाहर में फिर अपडेटर दिया गया, जो कि हमारे बिल्कुल भी काम का ये नहीं है। तो अब हम चलते हैं होम स्क्रीन की तरफ, और यहाँ पर जो है गूगल डिस्कवर आपको दिखा दूँ, तो इसके अंदर आपको स्क्रॉल करने पे काफ़ी लाइट सा लैग मिलता है, जो कि उतना कुछ खास दिक्कत नहीं देगा, लेकिन स्टेटस बार पे हल्के फुल्के आपको लैग मिलते हैं। वहीं अगर हम टाइल्स की बात करते हैं तो इसके अंदर पहले गेमिंग मोड का भी टाइल था जो कि रिमूव हो चुका है, और फिर यहाँ पे सिस्टम प्रोफाइल का टाइल देखने को मिल जाता अभी न्यू, और नीचे में आपको कैलकुलेटर का टाइल जो है न्यू देखने को मिल जाता था। कुछ टाइल्स हैं जो कि कुछ रिमूव हुए हैं, कुछ यहाँ पे ऐड हुए हैं। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर में भी अब जो है स्किप टाइमर ऐड किया गया, जो कि पहले उस टाइम पे हमें नहीं मिलता था। स्किप टाइमर जो है अब आपको इसके अंदर देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, और स्टार्ट करने के बाद जो है हल्के फुल्के लैग्स आपको ज़रूर यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते ही हल्का सा बढ़ जाता है लैग, और वॉल्यूम पैनल पहले की तरह ही है, एक्सपेंड आप कर सकते हो। वहीं ऐप ओपनिंग की बात करते हैं तो ऐप ओपनिंग जो है थोड़ा बहुत डिले आपको मिलता है इसके अंदर में, हालांकि स्मूथ ओपन हो जाता है। थोड़े हैवी एप्लीकेशन ओपन करोगे तभी जो है आपको फ़र्क देखने को मिलेगा, बाकी ऐसे जो है सही से ओपन हो जा रहा है। हाँ ये है कि हल्का सा डिले भी देखने को मिलता है, बाकी तो आपको सब कुछ सेम ही देखने को मिल जाता है। कैमरे की बात करें तो पहले आपको नॉर्मल सा कैमरा मिलता था, लेकिन अभी जो है ग्राफिन ओएस का कैमरा देखने को मिल जाता है डिफ़ॉल्ट के अंदर, बाकी जीके मैनुअली इंस्टॉल कर सकते हो। वहीं अगर हम बात करें एफएम रेडियो की तो पहले प्रॉब्लम कर रहा था, पहले काम नहीं करता था, लेकिन अभी जो है ये बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और गेम स्पेस का आपको ऐप ड्रॉअर पर भी देखने को मिल जाएगा, बाकी फिर यहाँ पे ओके गूगल इसका बग देखने को मिल जाएगा, काम नहीं करता। और गूगल फोटो की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसके अंदर आपको अनलिमिटेड स्टोरेज मिल जाता है, जैसे कि इसके सेटिंग में भी दिया गया ऑप्शन, आप ऑन ऑफ को भी कर सकते हो, तो वहाँ से मिल जाता आपको ऑप्शन। वहीं अगर हम प्ले स्टोर की तरफ चलते हैं तो प्ले स्टोर भी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सर्टिफाइड मिल जाता है, यानी कि सेफ्टी नेट बाय डिफॉल्ट पास है, तो बैंकिंग ऐप यूज़ करने के लिए रूट करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जो विजेट्स आपको मिलते हैं वो भी आपको सभी के सभी जो है लेटेस्ट ही देखने को यहाँ पे मिल जाता है, तो विजेट्स भी आपके जो है इसके अंदर लेटेस्ट रहने वाले हैं।
अब बात करते हैं कॉलिंग के बारे में। तो कॉलिंग के अंदर हमारा वॉल्टी काम कर रहा है, कैरियर वीडियो कॉल का बग रहेगा। ब्लूटूथ ऑडियो जो है इसके अंदर मीडिया और कॉलिंग दोनों पे ही काम कर रहा है, उनमें हमें प्रॉब्लम नहीं है। और प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी वैसे आपको इसके अंदर फिक्स मिल जाता है, और यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन हमें देखने को नहीं मिलता है, जैसे कि गूगल डायलर के अंदर इसके हमें नहीं मिलता। अब एंटूटू स्कोर 122,000 यहाँ पे क्यों आया, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। वैसे तो MIUI Rockstar ROM जो कि Note 5 Pro के लिए बनाया था, तो उस पर मैं ऑलरेडी सारी चीज़ें जो है यहाँ डिस्कशन कर चुका था, उस पर बता दिया था आप सभी को। हालांकि यहाँ पे Note 4 के यूज़र को भी बता देता हूँ एक बार कि यहाँ पे जो ऐप से जो है लेटेस्ट जो एंटूटू स्कोर का वर्जन है वही यूज़ किया करूँगा। काफ़ी लोग कन्फ्यूज होते थे, तो इसलिए जो है अब से लेटेस्ट वर्जन ही यूज़ करूँगा। पिछले में वैसे 103,000 था ऑलमोस्ट, उसी के आसपास ही वैसे स्कोर पुराने वर्जन के हिसाब से देखे तो आपसे जो है लेटेस्ट स्कोर ही आपको देखने को मिलेगा। एंटूटू का वर्जन जो है उसी का यूज़ करूँगा। बाकी यहाँ पे गेम के अंदर हमारा गेम स्पेस जो है कुछ इस तरीके से मिल जाता है, जिसमें आप मोड इनेबल कर पाओगे, एंड FPS हो गया, लॉक जेस्चर, स्टे अवेक, नोटिफिकेशन ब्लॉक कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं गेम स्पेस में, जो इसे कि एक लेटेस्ट में मिलता है। ग्राफिक आपका स्मूथ पे 90 FPS रहेगा, बैलेंस पे मीडियम रहेगा, तो हम स्मूथ एंड एक्सट्रीम पे खेलेंगे क्योंकि 90 FPS हमारे किसी काम का नहीं है। बाकी यहाँ पे अगर हम गेमिंग की बात करें तो गेमिंग ठीक ठाक जैसे पहले आपको मिलती थी, गेमिंग अभी भी उसी टाइप से देखने को मिल रही है। तो गेमिंग के अंदर में भी आपको ज़्यादा कुछ खास फ़र्क देखने को नहीं मिला, ना ही एनिमेशन के अंदर ज़्यादा कुछ खास फ़र्क देखने को मिला है। और बैटरी भी आप देखें वो भी आपको सिमिलर से ही मिल जाते हैं। और एंटूटू स्कोर के बारे में तो आपको बता ही दिया कि आसपास सिमिलर सही है, बस इस बार जो है वर्जन अब लेटेस्ट यूज़ किया हूँ, थोड़ा सा स्कोर जो है बूस्टेड आपको देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो है लाइट पे भी आपका टेस्ट करता है और लेटेस्ट पे थोड़े से स्कोर भी ज़्यादा मिलने लेंगे। तब धीरे धीरे आपको जो है बराबर देखने को मिलेगा, जो है अब लेटेस्ट ही जो है एंटूटू स्कोर यूज़ करूँगा। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आपसे जो भी रोम्स का रिव्यू किया करूँगा तो उसके अंदर आप जो है लेटेस्ट एंटूटू स्कोर ही लेटेस्ट एंटूटू स्कोर का ही जो है आपको स्कोर जो है एंटूटू का देखने को मिला करेगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न भी होता था इससे, तो इसलिए जो है मैं अब से लेटेस्ट ही यूज़ किया करूँगा। तो यही था आज की इस वीडियो में, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।